दोनों गुरुओं को सादर वंदन, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, काल की गणना में संवत्सर का नाम आता है कईयों के अलावा, और संवत संवत्सर का एक अप्रंशी अप्रभंशी है। तो महाराज जी, ये संवत का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ? और हम जैनी जो है, हम हमारे महावीर भगवान के जो उसमें निर्माण के बाद से ही हम इनको मान रहे हैं, या पहले से ही हम इसको मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। संवत्सर, संवत्सर बहुत प्राचीन शब्द है। संवत्सर संस्कृत भाषा का शब्द है, प्राकृत का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता वर्ष, वर्ष। तो संवत्सर यानी वर्ष। तो जब से हमारे यहाँ काल का चलन है, हमारी भाषा विकसित हुई, तब से संवत्सर। हमारे पुराणों के अनुसार संवत्सर की शुरुआत युग के आदि से हुई है, जब हम काल परिवर्तन होता है तब से, और वह श्रावण बदी एकम से है। भगवान महावीर के निर्वाण के बहुत पूर्व से संवत्सर चला रहा है, व्यवहार काल चलता रहा, तब से ये संवत्सर चला। लोग तो काल मनाते थे, भगवान महावीर के निर्वाण के समय से हमने वीर संवत शुरू कर दिया। संवत्सर का ही छोटा रूप है, अपभ्रंश रूप है संवत। पर महावीर भगवान के पहले भी तो काल का मान था। ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक कोई ना कोई संवत्सर तो चलता ही था। इसके बाद विक्रम संवत आया, बीच में शक संवत आया, और ईसा से ये वैश्विक बन गया, चूँकि ब्रिटिश उपनिवेश का प्रभाव पूरे विश्व में था, और वो फिर सन आ गया। सन भी जो जुड़ा वो बाद में जुड़ा, जो वर्ष के संदर्भ में वर्तमान कैलेंडर के अनुसार। तो ये समय काल में होने वाला परिवर्तन है, जिसे समाज ने स्वीकार किया, ये व्यवहार काल है। लेकिन मैंने दो दिन पहले भी इस तरह का एक सवाल आया था, उसके संदर्भ में कहा था, चाहे जो भी चीज़ें हों, हमें अपने मूल को भूलना नहीं चाहिए। हम अपनी सुविधा के लिए वर्तमान कैलेंडर को अपनाएं, मेरी उसमें असहमति नहीं है, लेकिन कम से कम याद तो रखें कि हमारी संस्कृति में क्या मूल रहा है। विक्रमादित्य से यह विक्रम संवत दिख रहा है, जो आज प्रसिद्ध है दूसरे रूप में, लेकिन उसके पहले भी काल था। हमारा इतिहास 2000 साल का ही नहीं है, हमारा इतिहास अनंत कालों का है, जो हर युगों में चलता रहा है और आगे भी चलेगा। नमोस्तु महाराज श्री।